नमस्कार दोस्तों, साल 1857 में फ्रेंच मैथमेटिशियन जूल्स एंटियोन लिसाजोस द्वारा कुछ वेवफॉर्म्स का एनालिसिस किया गया, जिन्हें आज हम लिसाजोस कर्व या फिर लिसाजोस पैटर्न या फिर लिसाजोस फिगर्स कहते हैं। दरअसल ये कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड थी, जिन्हें 1857 में लिसाजो द्वारा एनालाइज किया गया। और आज मॉडर्न एज में भी आप इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को इन लिसाजो फिगर्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और मॉडर्न ऑडियो इंजीनियरिंग में किन्हीं भी दो स्टीरियो ऑडियो सिग्नल्स को लिसाजो पैटर्न्स के द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं लिसाजो फिगर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जहां हम एक हाई इंटेंसिटी ग्रीन लेजर बीम को ऑडियो सिग्नल्स के थ्रू मॉड्यूलेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन फिगर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक स्पीकर को यूज करने वाले हैं, जिस पर हम एक मिरर प्लेस करेंगे और इस स्पीकर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर हम लोग वाइब्रेट करेंगे और देखेंगे उन वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली हमारी लेजर बीम कितना मॉड्यूलेट होती है। तो दोस्तों, इन मॉड्यूलेशंस को इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी या फिर वेरिएशन साउंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारी लेजर बीम ऑडियो सिग्नल के हिसाब से किस तरह मॉड्यूलेट होती है। आप बस बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं पैट प्रेस। लिसाजोस फिगर यूजुअली इलिप्टिकल शेप के होते हैं, लेकिन इनमें यूज होने वाले वेरिएबल्स के कारण इनका शेप कभी कभी सर्कुलर, लीनियर या फिर पैराबोलिक हो सकता है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और एक्सपेरिमेंट दोनों ही आपको पसंद आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।